अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मौजूद सामईन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके सामने पेश करने जा रही हूँ बानसीब बेअदब बेनसीब का पार्ट टू। जनाब वाला ये वाक्य बताते खुद मेरे साथ पेश आया। ये उन दिनों की बात है जब मैं 6th क्लास में पढ़ा करती थी। हमारी क्लास में 4 स्टूडेंट्स हुआ करते थे क्योंकि जो बहुत ही इंटेलिजेंट थे। एक फ़र्स्ट आता, एक सेकेंड आता, एक थर्ड आता और अगला फोर्थ आता। अब क्योंकि हम गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते थे तो हमारी कोई खास किस्म की प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन सर्मनी नहीं हुआ करती थी। हमारे टीचर्स क्लास फंड्स में से पैसे इकट्ठे करके बच्चों को इनाम दिया करते थे साल के आखिर पर, ठीक है। अब टीचर ने इनाम मंगवाए, इनाम लेने वाले बच्चे 4 थे और टीचर ने जो प्राइजेज मंगवाए वो डिक्शनरीज मंगवाई थी छोटी छोटी, वो 5 थी। अब सब बच्चों को पता था कि ये 4 तो इनको मिलेंगे, बाकी 5वां इनाम किसके लिए है? आइए सुनते हैं किसके लिए। 4 बच्चे जो कि बहुत मेहनत करते हैं, पढ़ते हैं, टीचर्स उनसे इसलिए प्यार करते हैं क्योंकि वो बहुत इंटेलिजेंट हैं, ठीक। एक स्टूडेंट बहुत नालायक है, वो डिक्शनरी मिली क्लास के सबसे नालायक तालिबे इल्म को। क्यों? क्योंकि वो टीचर का बहुत ऑबिडेंट है, वो बहुत ही अदब करती थी उस हादसा का। फिर टीचर ने कहा कि मुझे पानी चाहिए, इतनी गर्मी में उसने जाना है इतनी दूर, फट से जाके कहना मैम मैं पानी लेके आऊँ। मैम ने कहा कि बेटा मुझे पेंसिल चाहिए, तो उसने कहना मैम मैं पेंसिल दूँ। और आज हम अपने बच्चों को क्या सिखाते हैं? हम कहते हैं कि कॉन्फिडेंस के नाम पे टीचर के सामने अपने बच्चों को ज़बान दराजी करना सिखा रहे होते हैं। मेरा ख्याल है कि हमें इस चीज़ पर काबू पाना चाहिए। आपका इसके बारे में क्या ख्याल है? कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही, खुदा हाफिज़।